गाइस, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट डिस्कस किया था पिछला, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट 25 मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपने तैयारी अच्छी रखेंगे, SPPGT की तैयारी बहुत अच्छी रखेंगे, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस 10 दिन में हम 10 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व कर देंगे। चलिए, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स कहाँ डिस्कवर हुए थे पहले तो बता दूं। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स होते क्या है? ये हमारा क्रोमोसोम है अगर, ठीक है, दिस इज अवर क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्रोमेटिड्स होंगे और क्रोमेटिड्स अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से एक मल्टीपल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीटिन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है वो फर्स्ट टाइम एक बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे 1881 में, किसमें, स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के कौन सा था वो, ड्रोसोफिला, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला में उन्होंने ये पॉलीटिन क्रोमोसोम की स्टडी फर्स्ट टाइम करी थी, मतलब फर्स्ट टाइम हमें पता ही डिस्कवर ही ड्रोसोफिला में हुआ था। तो ठीक है, हमारी ऑप्शन ये वाली आ जाती है। उसके बाद पॉलीटिन क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स बनते कब हैं? जब ऐसा हमारा क्रोमोसोम है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा क्रोमोसोम है, इससे क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स हैं वो हमारे इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से काफी सारे क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है, और क्रोमेटिड्स डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, तो मतलब डिवाइड कर रहे हैं, बट क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स डिवाइड बट द क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड, ठीक है। तो हमारी बी ऑप्शन सही लग रही है मुझे, ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलिए आगे, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज, पहले तो फर्स्ट इवेंट होता क्या है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ही लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है वहां एक फोटोन एक्साइट हो जाता है, फोटोन एक्साइट होता है जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके अगला स्टेप होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमारी ऑप्शंस कौन, ऑप्शन कौन सी सही हो जाती है यहाँ पे, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलते हैं आगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। चाहे हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, चाहे हम रेस्पिरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर हमेशा साइटोक्रोम है, और इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के कैपेबल होता है, इट कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो साइटोक्रोम क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर लेके जाएगा। आगे चले, स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर येट इट इज एक्युमुलेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज इन पोटैटो बिकॉज। अब स्टार्च कैसे इकट्ठी हो जाती है पूरे पोटैटो में, देखिए खाना कौन बनाता है प्लांट में, लीव बनाते हैं, लीव हमने ये रिएक्शन कब से पढ़ रखी है कि CO2 प्लस H2O O2 बनाते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बनता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज बनता है प्लांट में, ये ग्लूकोज बनता है, इसको लीव से कहाँ लेके जाते हैं, स्टोरेज ऑर्गन में, स्टोरेज ऑर्गन जो भी होगा, और प्लांट किसकी फॉर्म में स्टोर करता है अपना खाना, स्टार्च की फॉर्म में, तो स्टोरेज ऑर्गन में, और स्टार्च क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो उसको ये सेव कर लेगा, मतलब वहां जाके स्टोर कर देगा, कहाँ, पोटैटो में, ठीक है। अब समझ आया प्रोसीजर,
इसका आंसर क्या है? इट इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ शुगर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, टू द, चलो इसको छोड़ो, फ्रॉम द लीव्स, ये हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमने पोटैटो ट्यूबर का एक, ये कौन सा हुआ, प्लांट सेल है, ठीक है, इसको हमने रख दिया एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा है नमक है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कैसी सिचुएशन है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हमारा। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाता है, पानी इससे बाहर आ जाएगा, ऑस्मोसिस का टाइप है ना ये, पानी इससे बाहर आएगा, और पानी जब बाहर आएगा तो ये क्या होगा, सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा, लिम्प इकट्ठा हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है, तो इट वुड बिकम लिम्प ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सेल्स। सही है ऑप्शन, डन, चलते हैं। If the carbon dioxide content of the atmosphere is as high as 300 parts per million, तो plants पे उसका क्या असर पड़ेगा? अब जो plant है, plant क्या करता है? CO2 लेता है, एक food की तरह है plant के लिए CO2। जब CO2 की मात्रा हमने बढ़ा दी atmosphere में, तो plant क्या करेगा? भाई खाना इतना ज़्यादा तो खाएगा ही, और खाना खाएगा तो अच्छे से grow करेगा। ग्रो करेगा मतलब ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा, ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा तो स्टार्च ज्यादा होगी, स्टार्च ज्यादा होगा मतलब फ्रूट ज्यादा बनाएगा नॉर्मल कंडीशन से, तो इसका क्या आएगा, द प्लांट वुड थ्राइव, ऑल प्लांट वुड बी क्लियर, क्यों होगा, प्लांट वुड ग्रो फॉर सम टाइम, नहीं, प्लांट तो बड़े अच्छे से रहेगा क्योंकि उसको तो खाना मिल रहा है, इतना ज्यादा खाना मिलेगा उसको, वो तो खुश है ना। चलते हैं, the grazing animals change the type of vegetation by, अब जो grazing animals हैं वो vegetation पे उनका क्या बस चलता है, पहले तो bringing in plant, वो कैसे लाएंगे बेचारे plant को, वो तो animal pathogen उन पे लगे होंगे बेचारों पे, नहीं, selective grazing, हाँ ये हो सकता है, उनकी मर्जी है कौन सा घास खाना है, cross pollination कहाँ से इतनी करते हैं ना, bringing the seeds of other plants, ये भी इतना वैलिड नहीं है, तो सिलेक्टिवली ग्रेज करेंगे तो क्या होगा, जिसको ग्रेज करेंगे वो खत्म हो जाएगा, तो वेजिटेशन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, जिसको नहीं खाएंगे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, तो डेट इज सिलेक्टिव ग्रेजिंग। नेक्स्ट, द गुड सॉइल इज, अच्छा गुड सॉइल कौन सी होगी, रेतीली सॉइल अच्छी है, नहीं, पानी तो भी जाती है इस पे से ज्यादा, बट अच्छी नहीं होती, प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। अब प्लांट में अच्छी सॉइल प्लांट के लिए कौन सी है, जो पानी को अपने अंदर धीरे धीरे आने देगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी मतलब गिल्ली रहेगी, और प्लांट को धीरे धीरे प्लांट उससे लेता रहे और ग्रो करता रहे, ज्यादा देर तक गिल्ली रहे, ऐसी मिट्टी चाहिए ना प्लांट को, ज्यादा देर तक उसको वाटर की उसकी जो डिमांड है वो पूरी कर सके, जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा देर तक पूरी कर सके। तो अब गुड सॉइल इज विच होल्ड ऑफ द वॉटर डेट एंटर्स इन टू इट, नहीं, विच अलोज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉटर इन टू इट, लिमिटेड होगा ये भी नहीं, विच अलोज द वॉटर टू परकोलेट स्लोली फ्रॉम इट, धीरे धीरे अपने में से वॉटर को जाने देगा, वेपोरेशन भी कम होगी, तो क्या होगा, सॉइल ज्यादा टाइम तक गीली रहेगी, डन, क्विकली नहीं, क्विकली वाला भी हमारे काम का नहीं है, जाने देगा पानी को तो क्या होगा, उड़ भी जाएगा पानी जल्दी, तो सी वाला, ठीक है, चलते आगे। प्लांट्स सच एज पेंडिनस एंड राइजोफोरा आर एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या है, राइजोफोरा और पेंडिनस क्या है, राइजोफोरा का तो आपको पक्का पता होगा क्या करता है, सेलीन हैबिटेट्स में रह लेता है आराम से, सेलीन हैबिटेट्स में अच्छे सर्वाइव कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट, हेलोफाइट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हेलोफाइट,
इसका बताओ। नेक्स्ट चलते हैं। इन जनरल अ प्लांट मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव इन द एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो एंड विंड प्रेवलेंट वुड हैव। अच्छा, अब यहाँ बोला क्या गया है कि टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है और क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी लो रहेगा, ह्यूमिडिटी लो रहेगी, ठीक है, एंड विंड प्रेवलेंट, विंड भी चलती रहेगी। अब ह्यूमिडिटी लो है, हवा ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा, पानी जल्दी सूखेगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी, ट्रांसपीरेशन हाई रहेगी। ट्रांसपीरेशन हाई रही तो हमें लीव्स कैसे चाहिए, ब्रॉड लीव्स क्या करेंगे, वाटर लॉस करवा देंगे। लार्ज इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस, ये भी किसी काम के नहीं, ये भी वाटर लॉस करवाएंगे। रिड्यूस्ड पैलिसेड टिश्यू, इसका तो क्या ही फर्क पड़ेगा। स्मॉल एंड नैरो लीव्स, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, छोटी और नैरो लीव्स का। ट्रांसपीरेशन कम होगी, वाटर लॉस कम रहेगा, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल एंड नैरो लीव्स। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया आर एग्जांपल्स ऑफ। अब जो हमारा हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया है वो एग्जांपल है कि इनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ रहती हैं, सॉइल में एंकर्ड रहती हैं, बट ये खुद वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स, सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट बोल सकते हैं। और इसमें एक दो और एग्जांपल आ जाती हैं, ऐड कर लो, यूट्रिकुलेरिया एंड सिराइटोफाइलम, ये भी कैसे हैं, सबमर्ज्ड प्लांट हैं। इनमें से कोई भी आप सब पूछ सकते हैं, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, सिराइटोफाइलम, ये चारों क्या हैं, सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स, पानी में रहेंगे बट रूट्स कहाँ हैं, सॉइल, ठीक है, तो हमारी ऑप्शन ये वाली सही है। चलिए आगे। One of the following exhibits anisogamy. पहले तो anisogamy word का मतलब क्या है? Anisogamy का मतलब है unequal gametes. Unequal gametes मतलब जो male है वो female से अलग होगा, male gamete अलग है totally. Generally क्या होता है anisogamy में, जो female gamete है वो large होता है, but male gamete कैसे होता है, मोटाई and small. और फीमेल गैमेट इमोबाइल होता है, जनरली ये कंडीशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन किसमें है, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास में तीनों चीज होती है, आइसोगैमी भी होती है, एनाइसोगैमी भी होती है, और एनाइसोगैमी की ही टाइप ऊगैमी भी होती है, ठीक है, इट शोज ऑल थ्री। चलिए आगे चलिए। One of the following is not a wrong statement regarding the cryptogams. Cryptogams के बारे में कोई गलत statement नहीं है। Cryptogams सारे autotrophic होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। Parasitic भी होते हैं, epiphytes भी होते हैं, endophytes भी होते हैं, sorry. All cryptogams are non-vascular. सारे non-vascular, कुछ vascular भी होते हैं। उनमें से एक है Pteridophytes. All cryptogams produce embryo. ये भी नहीं है। सारे cryptogams कहाँ embryo produce? Fungi और algae. इनका क्या? All cryptogams are non-seeded plants. Yes. ये सही है। Cryptogams में क्या आते हैं? Non-seeded plants. और दूसरे कौन से होते हैं? हमारे phanerogams. Phanerogams में कौन से आते हैं? Seeded plant. सीडेड प्लांट कौन से हुए हमारे? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, राइट? ये आई थिंक सबको पता है, एवरीबॉडी नोज इट। फेनरोगैम्स में कौन से हैं हमारे? सीडेड प्लांट। चलिए नेक्स्ट। फेयरली गुड यील्ड ऑफ राइस कैन बी हैड ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स विदाउट एडिंग एनी नाइट्रोजनस मैन्योर, नाइट्रोजनस मैन्योर बिकॉज। अब राइस जो है, राइस को हम क्या बोलते हैं, पैडी,
पेडीक्विल में होता क्या है, एक एल्गी है जो क्या करती है, उसकी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती है। उनका नाम है एनाबिना एजोला, ठीक है, ये उसकी डिमांड को पूरा करती है। तो अब चाहिए क्या, अगर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है और एक एल्गी उनकी हेल्प कर रही है, तो हम मैन्योर आर्टिफिशियली क्यों ऐड करें, उसको जरूरत ही नहीं है, उसके पास है भाई अपना बंदा। देयर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी इन द राइट स्पेस। सही है ये ऑप्शन, सही लग रही है मुझे। फ्यूजिंग गैमेट्स इन यूलोथ्रिक्स आर, अब जो यूलोथ्रिक्स में गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। अब सेम टाइप के होंगे मतलब मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर होंगे, बट फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट होंगे ना, एक मेल गैमेट होगा दूसरा फीमेल गैमेट होगा, ठीक है, तो बाहर से तो दिखने में तो सेम होंगे बट वैसे डिफरेंट होंगे। चलते हैं, टू फ्यूजिंग गैमेट्स ऑफ वोल्वॉक्स आर, अब वोल्वॉक्स में कैसे होते हैं, एन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट, उगैमी टाइप शो करता है ये, उगैमस टाइप। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट लार्ज, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, जैसा ह्यूमंस में होता है सेम केस है, और इमोबाइल, और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं उसमें, दिस इज मेल गैमेट। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरह डिसिमिलर रहेगा, ठीक है, सी इज द ऑप्शन। चलिए, सेप्टा इन मोस्ट ऑफ द फंजाई हैव पोर्स इन देम सच अ सेप्टम इज, मोस्ट ऑफ द फंजाई में ये सेप्टा प्रेजेंट है जिसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स वाले सेप्टा को हम बोल देते हैं पोरस सेप्टम। अच्छा सेप्टम होता क्या वैसे, वॉल्स इन बिटवीन द सेल, उसको हम सेप्टा बोलते हैं, वॉल्स इन बिटवीन द सेल, ठीक है, इसको हम सेप्टा बोल देते हैं। और अगर ना हो सेप्टा, एसेप्टेट कंडीशन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं सिनोसिटिक, एसेप्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सारे वर्ड उसके लिए होते हैं जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, दीज ऑल आर द वर्ड्स फॉर एसेप्टेट फंजाई, और जिसमें सेप्टा होते हैं उसको हम सेप्टेट बोल देते हैं, वॉल्स प्रेजेंट है, वॉल्स इन बिटवीन द सेल तो उसको हम क्या बोलते हैं, और उसमें पोर्स प्रेजेंट है तो उसको हम पोरस सेप्टम बोल देते हैं। चलते हैं आगे, अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हार्ड कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी कैपेबल ऑफ टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल कंडीशन इज टर्म्ड एज, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक मास, हार्ड कंपैक्ट सा मास बनता है, हाइफी ही बनाता है उसको, और वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है, कैसी कंडीशन में बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल क्या होता है, ये एक बल्जिंग सा पार्ट होता है, ठीक है, बल्जिंग सा पार्ट होता है। सोरस क्या होता है, जो टेरिस में प्रेजेंट होता है, वो लीव्स के नीचे जो जिसमें स्पोर्स होते हैं, दैट इज डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। स्क्लेरोशियम उसको बोलते हैं जो बनता है वीट, मतलब जो सीड होता है ग्रेन्स की जगह ले लेता है और उसकी जगह बनता है, ठीक है, ये वीट में होती है, ये डिजीज जो करती है, एक फंजाई है जो डिजीज करेगी और वो बनाती है स्क्लेरोशियम अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है, और उसको बनाती है। एस्कस हमें पता है, एस्कस क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सी में होता है ये, इसमें 8 स्पोर्स होते हैं, ये एस्कोमाइसिटिस में होता है। तो हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, अनफेवरेबल कंडीशन जो वो फंजाई है जो वीट पर अटैक करती है वो स्क्लेरोसियम बना के बियर कर लेती है, ठीक है। चलते हैं,
द माइसीलियम ऑफ म्यूकर और राइजोपस ब्रेक्स अप इनटू अ चेन ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओइडिया इफ इट इज कैप्ट इन अ मीडियम रिच इन सुक्रोज सॉल्यूशन। अब होता क्या है, म्यूकर और राइजोपस में ये ईस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं जब ये सुक्रोज सॉल्यूशन में होते हैं। अब ये करेंगे क्या बेसिकली, ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, इस तरह से बर्ड्स बनाते जाएंगे तो चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है टोरूला स्टेज, और ये किसमें बनती है, म्यूकर एंड राइजोपस में, ठीक है। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी बोल लो, या चेन ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं टोरूला स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन पक्सिनिया ग्रामिनिस। पहले तो पक्सिनिया ग्रामिनिस में हमारे दो होते हैं, दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। यहाँ पे प्राइमरी होस्ट कौन होता है, वीट, एंड सेकेंडरी होस्ट इज बारबेरी, ठीक है। अब बारबेरी में क्या होता है, बारबेरी में हमारे एशियोस्पोर्स बनते हैं। अब ये एशियोस्पोर्स क्या करते हैं, फिर से बारबेरी पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, वीट में चले जाते हैं। वीट में किसकी फॉर्म लेते हैं, यूरिडोस्पोर्स की फॉर्म लेते हैं, यूरिडोस्पोर्स की फॉर्म लेते हैं, और यूरिडोस्पोर्स को जो बनाने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम यूरिडोसोरस बोलते हैं। अब ये यूरिडोसोरस क्या करेगा, यूरिडोस्पोर्स बनाएगा, और उसके बाद ये लीव्स में कर रहा है ये काम, ठीक है। लीव्स के बाद यही यूरिडोसोरस टेल्यूटोस्पोर्स बनाएगा, टेल्यूटोसोरस एक स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके टेल्यूटोस्पोर्स बनाता है। अब टेल्यूटोस्पोर्स जो बनेंगे आगे टेल्यूटोसोरस से, अब ये क्या करेंगे, डोरमेंट स्टेज में जाना चाहेंगे, और डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसके बाद ये सॉइल में किसी तरह पहुंच जाते हैं, चाहे मींस ऑफ वाटर, विंड एक्सेट्रा, किसी भी तरह ये सॉइल में पहुंच जाएंगे। अब सॉइल में पहुंच के ये क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं, ग्रो करके बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन देख के ग्रो कर जाएंगे, ग्रो करेंगे, और वो एक स्पर्मेशियम में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में, नॉन मोटाइल स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आ जाता है, सेकंड। एशियोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, बारबेरी में, फिर यूरिडोस्पोर्स, फिर टेल्यूटोस्पोर, फिर बेसिडियोस्पोर, फिर स्पर्मेशियम, तो आंसर हमारा हो जाता है बी। चलिए, द ब्राउन गिल्स ऑफ मशरूम, अच्छा ये है हमारा, पहले तो मशरूम बनाते हैं, इस तरह से, इसी तरह से होते हैं मशरूम कुछ, ये मशरूम, ठीक है, ये हैं इसके ब्राउन गिल्स हो सकते हैं, लाइट ब्राउन गिल्स हो सकते हैं, ये अलग अलग गिल्स होते हैं। तो यहाँ इसको फेरी रिंग्स भी बोलते हैं, पहले मतलब एक ऐसा मिथ था कि इसमें जो फेरीज हैं वो ऐसे ऐसे घूम रही होती हैं, यहाँ रहती हैं मतलब फेरीज, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। मशरूम को और क्या बोलते हैं, एगेरिकस, है ना, एगेरिकस भी मशरूम होता है, और ये किसमें आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में, सारे मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, और यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बियर स्पोर विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सही है। चलिए आगे चलते हैं, while causing mutations what is the action given by nitrous acid by converting amino group to keto group। ab amino group ko jab hum remove karte hain,
अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा जब उसको कन्वर्ट, अमाइनो ग्रुप को हमें क्या बनाना है, कीटो ग्रुप बनाना है. देन वी हैव टू रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर. जब अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे तो उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन, राइट. तो दिस इज अवर ऑप्शन, प्रोटीन डीनेचुरेशन, डिहाइड्रेट. थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, अवॉइड करिए, जैसे मैं अवॉइड कर रही हूँ या लिख रही हूँ तो आपको समझ आ जाए. चलिए आगे चलते हैं. प्रोफ्लेविन इज द, प्रोफ्लेविन वैसे तो एक एंटीसेप्टिक है, वर्ल्ड वॉर टू में भी इसका यूज किया गया था काफी ज्यादा, ठीक है. बट ये कई बार कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है. कार्सिनोजेनिक बोलो, म्यूटाजेनिक बोलो, मतलब ह्यूमन स्पेशली मैमल्स के लिए, ठीक है, इस तरह से भी ये हो सकती है. और ये प्रोफ्लेविन क्या है, एक डाई है, एक्रिडीन डाई है, ठीक है, जो फ्लोरेसेंट कलर्स देती है. फ्लोरेसेंट कलर्स में ये किस तरह के कलर्स दे सकती है, देती है मतलब ऑरेंज, रेड, ब्राउन, इस तरह से कलर देती है. डन, क्लियर आगे. तो प्रोफ्लेविन इज द एक्रिडीन डाई, हमारी सी ऑप्शन सही होगा. चलें आगे. एडेप्टर मॉलिक्यूल इंटरवेंस बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय क्रिक इज. अब हाइपोथेसिस क्या है, एडेप्टर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. पहले ऐसा बिलीव किया, मतलब बिलीव क्या ऐसा ही था, एडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो एसिड में को बनने में हेल्प कर रहे हैं. ऐसा ही होता है, मैसेंजर जो आरएनए है वो अमाइनो एसिड को बनने में हेल्प करता है ना, अमाइनो एसिड को हेल्प करने में, बनने में हेल्प करता है. तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन. इट इज नोन एज ट्रांसलेशन, राइट. तो जब ये ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, जब ये ट्रांसलेशन हो रही है तब mRNA किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड को अमाइनो एसिड. तो पहले ऐसा बिलीव किया जाता था, इसको कौन करवा रहा है, एक अडैप्टर मॉलिक्यूल करवा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, tRNA, ठीक है, ट्रांसफर RNA. इसको ट्रांसफर कौन करवा रहा है, ट्रांसफर RNA, मतलब mRNA कोड दे रहा है, ट्रांसलेशन करवा रहा है अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड को बना रहा है, उसको हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं. और उसमें एक अडैप्टर मॉलिक्यूल काम कर रहा है, और उस अडैप्टर मॉलिक्यूल हमें पता चला बाद में वो कौन है, tRNA. तो इस पूरे को हम बोल देते हैं अडैप्टर हाइपोथेसिस. चलिए, थैंक यू. हमारी एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.